कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, तो वही लक्सर क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव में एक पति पत्नी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आपको बता दें कि 30 मई को दोनों पति पत्नी अपने गांव सुल्तानपुर लौटे थे। उत्तराखंड के लक्सर क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव में पति और पत्नी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पति और पत्नी को इलाज के लिए हरिद्वार के आइसोलेशन वार्ड में भेजा गया है। आपको बता दें कि दोनों पति पत्नी 30 मई को दिल्ली से अपने गांव लौटे थे, जिनका 1 जून को मेडिकल टेस्ट हुआ था और सैंपल भेजे गए थे। इनको 1 जून को ही घर में होम क्वारंटाइन कर दिया गया था, तभी से ये लोग घर में रह रहे थे। 17 जून को पति और पत्नी दोनों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर मेडिकल टीम और प्रशासन के अधिकारी पहुंचे। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पति और पत्नी दोनों को हरिद्वार मेला अस्पताल में आइसोलेशन के लिए भेजा है, साथ ही पूरे मोहल्ले को सील कर दिया गया है। वहीं इस बाबत स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर दुष्यंत ने बताया कि पति पत्नी दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दोनों ही लोगों को आइसोलेशन के लिए हरिद्वार भेजा गया है और साथ ही संपर्क में आए सभी लोगों का भी मेडिकल चेकअप किया जा रहा है, सभी के सैंपल भेजे जा रहे हैं। वहीं इस बाबत उप जिलाधिकारी पूरण सिंह राणा ने बताया कि पूरे मोहल्ले को सील कर दिया गया है और परिवार के सभी सदस्यों को भी होम क्वारंटाइन किया जा रहा है, ताकि ये लोग किसी के संपर्क में ना आए और ना ही बाहर के व्यक्ति इस परिवार के संपर्क में आए। इसके लिए एक हेल्प डेस्क बनाया गया है और इनके खाने पीने और जरूरत की वस्तुओं का इंतजाम भी प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। है कि 1 जून को ये इस व्यक्ति का टेस्ट हुआ था, ये बाहर से आया था, चांदर उसकी वाइफ। तो आज 17 तारीख को, कल मतलब, इनकी रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है ना। तो उस एहतियातन तौर पे हमने उनका घर जो है वो सील कर दिया है कि वो जो इन्फेक्शन है वो फैला तो नहीं है। हालांकि ज़्यादा उम्मीद ये है, 17 तारीख हो चुकी है, 1 तारीख को टेस्ट हुआ था, कि अब तक वो रिकवर कर गए होंगे, ठीक होंगे। घर वालों से हमने बात करी तो घर में लगभग जितने भी लोग हैं इनको किसी को भी कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, सबका टेम्परेचर नॉर्मल है, किसी को सांस की दिक्कत नहीं है, जुकाम खांसी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन फिर भी एहतियातन तौर पर थोड़ा ये गली जो है हमने सील कर दिया है कि प्रिकॉशन आगे ना फैले कोई भी इन्फेक्शन।